हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? देखो, अक्सर एक बात मतलब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर मैं सीए कर रहा हूं तो क्या मैं जो अटेम्प्ट दूंगा, अगर मान लो बीच में मैं फेल हो गया एक बार दो बार, तो इससे डिग्री पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? क्या मैं अगर मान लो सीए इंटर में आया या सीए फाइनल में आया और एक बार दो बार फेल हो गया तो क्या होगा? मेरे बच्चे, ये सारी बातें ना आप दिमाग से हटा दो। ये फेल होना और पास होना, ये डिग्री के बीच में चलते रहेगा और चलना भी चाहिए। जब तक हमें नहीं पता फेल का मजा क्या होता है, फिर पास का मजा क्या लेंगे? जब तक गिरने का मजा नहीं होगा, तब तक उठने का फिर मजा क्या होगा? ये चलेगा लाइफ में। स्ट्रेस कम, एक्सपेक्टेशन कम, आपका गोल एक होगा, आपका डिग्री सीए और आगे बढ़े। जहां तक इंडस्ट्री की बात है, इंडस्ट्री को सीए डिग्री चाहिए। अगर आपके नाम के साथ सीए जुड़ा हुआ है तो आप किसी भी कंपनी के किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप कैपेबल हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो आपके फेल पास होने से, मैं अगर मैं एक्सेप्शन को हटा दूं, आधे कंपनी को, नाम लेना ठीक नहीं है, वो भी कंपनी आज के टाइम पे वो चेंज कर रही है कॉन्सेप्ट को, तो आज के टाइम पे लगभग 100% कंपनी को आपका डिग्री से मतलब है। बीच में कितनी बार फेल हुए, कितनी पास, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जब डिग्री आपके हाथ में आएगी, अपने आप इन करोड़ों लोगों में से कुछ हजार के अंदर आप आ जाओगे। तो मेरे बच्चे, आपका जो अभी मार्केट में डिमांड सप्लाई देखा जाए, आपकी कहीं ज़्यादा डिमांड है एज कम्पेयर टू सप्लाई। आप बहुत अच्छी जगह प्लेस होंगे, और एक बार जब किसी कंपनी में आप प्लेस हो गए तो अब जो प्रमोशन होगा वो आपके जो अगली क्वालिटीज, लीडरशिप, आपका कम्युनिकेशन क्या, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप उस पर काम करेंगे, आपका एक्सपीरियंस जो आएगा उस इंडस्ट्री का, वो आगे पैकेज पे काम करेगा, वो आगे की बातें हैं। मतलब इन छोटी छोटी बातों में कि मैं एक बार फेल तो नहीं हो जाऊंगा, फेल हो गया तो क्या होगा, ये खत्म करो। सिर्फ स्ट्रेस है और कुछ नहीं। आप डिग्री पाइए, बस डिग्री पाइए। ठीक है बच्चों, चलिए हम अगली बार कुछ और आपके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज इतने काफ़ी है। मोटिवेशन अपनी डिग्री को लेकर बनाए रखें, बस बनाए रखें और बनाए रखें। बहुत प्यारी डिग्री है आपकी, बहुत मेहनत किया आप लोगों ने और कर रहे हैं आप इसको आगे बढ़ाइए। चलो बच्चे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप? देखो, आपके प्रोफेशनल लाइफ को प्रॉपर तरीके से सक्सेस के पाथ पे लाने के लिए हम लोगों ने आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हैं, सीए, सीएमए, सीएस, और आपके जो स्कूल के बच्चे हैं उन सबके लिए डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे एक्सक्लूसिवली हम सिर्फ और सिर्फ आपके डिग्री से जुड़ी हुई बातों को डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे आपसे जुड़े हुए जो डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके डिफरेंट मॉक टेस्ट पेपर्स चैप्टर वाइज एंड फुल कोर्स वाइज हम आपसे शेयर करेंगे। साथ ही साथ हम उसका सजेस्टेड आंसर जो होगा वो भी आपसे शेयर करेंगे, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से अपना सेल्फ जजमेंट कर पाए कि अभी आपकी तैयारी किस लेवल पे और कितनी करनी है। यही नहीं बच्चों, इंडस्ट्री में अगर एक अच्छा प्रोफेशनल जो जॉब पाता है उसके लिए कौन कौन से उसके अंदर में एट्रीब्यूट्स यानी कि क्वालिटीज होने चाहिए, हम उनके बारे में भी आपसे बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे। इंडस्ट्री में जो लोग प्लेस्ड हैं या जो प्लेस होने वाले हैं या जो अच्छे जगह पे अपनी रैंक लेकर आए, हम उनसे डिस्कशन करके उनके एक्सपीरियंस को भी आपके साथ शेयर करेंगे। इंडस्ट्री एक कौन कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर चाहती है एक अच्छे प्रोफेशनल बनने के बाद, हम स्टार्टिंग से नए तरीके से आपके साथ डिस्कशन करेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। बिलीव कीजिए, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें होंगी और किसी की बातें नहीं होंगी। तो अपने प्रोफेशन को आप वजन दीजिए, आप उसके तरफ में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़े, लाइफ को सक्सेस की तरफ लेके चले, जल्दी से जल्दी सक्सेस को पाए और लाइफ को एक अच्छे जगह पे पहुंचाए, अपने सारे सपनों को पूरा करें। इसी मकसद से मेरे बच्चे, मैंने और आपने दोनों ने मिलके कुछ मेहनत करना है, उन्हीं चीजों को इन ग्रुप में आपको बताया जाएगा। आप जुड़े हमारे साथ, बिलीव कीजिए सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ाई की बातें होंगी, अच्छी बातें होंगी और कोई फालतू डिस्कशन नहीं। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी।